बस ठीक शुक्र है भगवान के सब ठीक हो सी मालिक मेहर ठीक हो उधर सर सुपर पे उधर ऊपर मैं तक ना आसा है अगर तुम्हारे दर्शन हो जाए ये मुबारक हो बड़ा अच्छा लगा आपसे सोमनाथ से डबोत्रा क्योंकि जहां मेरी ड्यूटी मेरे लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगाई है जम्मू सूबे के लिए खास करके वहाँ ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरत इनकी भी है, डॉक्टर साहब की भी है। मैं रिव्यू मीटिंग हम लेंगे, इनसे भी पता करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या बेस्ट पॉसिबल इनको दे सकते हैं। तो लिहाजा आज की तो जस्ट एक टूर था, एक पेशेंट को देखने आया, उसी बहाने से पूरा हॉस्पिटल देख लिया। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें जो खामियां हैं वो दूर होंगी और जहां हमें दूर करने की ज़रूरत होगी हम करेंगे, जहां एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल की है ये इनको ज़रूरत है दूर करने की ये दूर करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट विज़िट आएंगे तो अच्छा माहौल होगा, आप लोग भी फील करेंगे कि कोई अच्छा रिज़ल्ट आया है सुरेंद्र चौधरी के आने के बाद। थैंक यू। लोगों से यही कहूँगा कि अमन से ही, क्योंकि भाईचारे का त्यौहार है, अमन से और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितना ही हम कम पटाखों का इस्तेमाल करें वो अच्छा है। खुशियाँ मिठाई से बना लें, एक दूसरे को हक करके बना लें, या और दूसरा है कि पोल्यूशन को जितना कंट्रोल करेंगे हमारे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मैं सुबह दिल्ली से आया हूँ, वहाँ हालात ये हैं कि हर आदमी को, तीसरे आदमी को वहाँ खांसी हो रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा ये दिवाली के त्यौहार पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक हंसता खेलता जम्मू कश्मीर बने जैसे पहले बना हुआ था, और एक हंसता खेलता वो जम्मू कश्मीर हो जहाँ नौजवान तरक्की के राह पर चले और नौजवान जिस मकसद को ले कर हम लोगों को आगे लाया है उस मकसद को हम को पूरा करने में हम कामयाब हैं। सुरेंद्र सर, यहाँ पर इलाज कराना है, लोगों से भी आपने बातचीत करी है, क्या कुछ फीडबैक मिला है कि किस तरह का इलाज उन्हें यहाँ पर मिल रहा है? नहीं, ठीक है, फीडबैक वही मैंने कहा ना, ये कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बाद में, एक मीटिंग हम करेंगे दोबारा से। आज हम जस्ट मैं ऐसे ही आया था एक पेशेंट को देखने, तो लिहाजा मैं आज कुछ नहीं इस पर ज़्यादा कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर हूँ कि कोई कुछ चीज़ें हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है और उसमें कुछ हमारे पार्ट पर हैं, कुछ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर हैं, तो वो ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन ये हम कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है, मिलजुल के हम सब ने बनाना है, इस हॉस्पिटल को बनाना है और इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, इसमें पब्लिक का सहयोग भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, सरकार का भी है, सबका मिलजुल के इस हॉस्पिटल को ठीक करना है। और उम्मीद करते हैं हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मैडम सकीना इटू जी, वो भी क्योंकि वो वहाँ कश्मीर में अभी थोड़ा बिजी हैं, वो भी आएंगी, वो भी विजिट करेंगी, तो लिहाजा एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो जिस उम्मीद से आप लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, हम कोशिश करेंगे उन उम्मीदों पे खरा उतरें। थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं गया, पेशेंट से मुलाकातें हुई हैं, थोड़ी सी ज़रूरत है, मैन पावर की शॉर्टेज है यहाँ पे और थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व हुई हैं, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से भी, आबिद साहब से भी मेरी बात हुई है, तो लिहाजा बैठ के बात करेंगे, उसके बाद यहाँ रिव्यू मीटिंग लेंगे और कुछ जो इनकी भी डॉक्टर्स की इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सुनेंगे और जो इनको ज़रूरत होगी उसको पूरा करने की, क्योंकि एक गैप है। मैंने शुरू में कहा कि 10 साल का गैप है लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और जो इन हॉस्पिटलों पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी शायद कहीं ना कहीं हायर पावर कमेटीज़ हैं उन्होंने नहीं दी। अगर इनकी जो इनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में अगर उसको पूरा किया जाए तो मेरे ख्याल हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लोकल लेवल पे करनी पड़ेगी और मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, बट उम्मीद करता हूं कि जब नेक्स्ट मैं कभी आऊं यहां पे तो जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो उसमें कहीं ना कहीं सुधरा होगा, ठीक होगा। तो लिहाजा हम सब ने, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हॉस्पिटल हमारे हैं, हम सब मिलके, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे आप लोग हैं, हम लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सब ने मिलजुल के इन हॉस्पिटलों को चलाना है, क्योंकि यहाँ कोई भी आ सकता है, आज कोई हो रहा है कल हम में से कोई आ सकता है, तो लिहाजा ज़रूरत है। तो जो है जो कमियाँ हैं बीच में वो अभी सबसे हमने बात, कल कश्मीर जा रहा हूँ, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग भी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई हुई है, तो लिहाजा कुछ चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन आज मैं कहूँ कि आज मैं आपको कह के जाऊँगा कुछ, वो बातें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं तो किसी पेशेंट को देखने आया था
और उसी बहाने हॉस्पिटल भी देख लिया और खुद भी अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे और किस किस चीज़ को पूरा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा जब नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, हमने क्या, क्या किया। तो सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स का या बाकी जो जिलों में हॉस्पिटल से देखिए, मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ कि मैंने अपनी मीटिंगों में कहा कि जो ऑफिसर ये सोचते हैं कि गवर्नर रूल में उनको जो ऐशो आराम मिले हैं वो ये उम्मीद करेंगे कि इस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में होगी तो नहीं होगी। क्यों? कि हम लोगों के चुने हुए लोग हैं, हम चुने लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें वोट डाल के यहाँ भेजा है। हम अपॉइंटेड नहीं हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं और इलेक्टेड लोग हमेशा लोगों को प्रेफर देंगे। जो हमें लोग कहेंगे हम वो बात मानेंगे। तो लिहाजा हमने कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी मीटिंग में कहा और मैंने अपनी मीटिंग जो रिव्यू मीटिंग कश्मीर में ली मैंने उसमें भी कहा कि आपको ये जो पिछले 10 साल का ऑफिसरों को इस गैप से बाहर निकलना होगा और ये गैप भरने में हम चाहेंगे कि ऑफिसर भी हमारे नज़दीक आएँ और हम भी ऑफिसरों के पास जाएँ। और हम ये कोई ये नहीं है कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दोनों अलग अलग हैं ऑफिसर और हम दोनों ने मिलजुल के जम्मू कश्मीर बनाना है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जो एक 10 साल का जो वैक्यूम हुआ है ऑफिसर उसमें उस कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को वो भी क्योंकि उन्हीं के कारण ये वैक्यूम हुआ है उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करेंगे और हम तो करेंगे करेंगे क्योंकि हमारा 5 साल बाद क्योंकि ऑफिसर्स ने 60 साल बाद रिटायर होना हमने तो हर 5 साल बाद रिटायर होना होता है और फिर एग्ज़ाम देना होता है फिर आना होता है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लोग हैं, जो लोग कहेंगे हम उस बात को मानेंगे। लेकिन आज की डेट है कि मेरा पहला टूर था हॉस्पिटल के अंदर तो मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना मैं कहूँगा कि हम सब ने मिलजुल के इन हॉस्पिटलों को चलाना है और हम सब की ये प्रॉपर्टी है, ये हमारा हम सब का इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो लिहाजा इतना ही।